फाउंडेशन देगी, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। वैसे तो मुझे केवीएस से जुड़े हुए मात्र 2 साल ही हुए हैं, क्योंकि 2 साल मुझे नहीं लगता है कि इतने इनफ हो रहे हैं कि आप किसी भी चीज़ के बारे में फूल गया जान पाऊँ। लेकिन मेरे वरिष्ठ जनों के सानिध्य में रहकर मैंने जितना कुछ सीखा है, मैं उसके बारे में आपसे कुछ चीज़ें साझा करना चाहूँगी। केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन, जिसके बारे में दूसरे केंद्रीय वेतन आयोग ने नवंबर 1962 में सिफारिश करी केंद्र सरकार से कि शिक्षा का एक ऐसा माध्यम बनाया जाए जो केंद्रीय कर्मचारी हैं और जो हमारे रक्षाकर्मी हैं उनके बच्चों की पढ़ाई में कोई भी व्यवधान ना हो। नवंबर 1962 में जब उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट की, तो केंद्र सरकार केंद्रीय विद्यालय संगठन के आइडिया के साथ आए और शिक्षा सत्र 1963 में 20 रेजिमेंट विद्यालय जो कि हमारे आर्मी कैंप में थे उनके साथ केंद्रीय विद्यालय संगठन की शुरुआत हुई। शुरू में इसका नाम था सेंट्रल स्कूल्स, लेकिन 1965 में 15 दिसंबर 1965 में इसको एक सोसाइटी की तरह रजिस्टर किया गया और तब से इसका नाम पड़ा केंद्रीय विद्यालय संगठन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा केंद्रीय विद्यालय MHRD मिनिस्ट्री के अंदर आता है, जिसके इस समय जिसका कार्यभार है श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के पास। हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन के हेड के तौर पर हमारे आयुक्त महोदय हैं श्री संतोष कुमार मल जी। यही एक आयुक्त का जो पद होता है हमारे केंद्रीय विद्यालय में, यही एक ऐसा होता है जो कि आईएएस से सेलेक्ट होकर आता है लोक सेवा आयोग के थ्रू। बाकी सारे जो पद होते हैं वो एकेडमिक बैकग्राउंड से आते हैं। अभी 20 रेजिमेंट विद्यालयों से शुरू होकर आज हमारा केवीएस 1200 से अधिक विद्यालयों के रूप में न केवल भारत में अभी विदेशों में भी फल फूल रहा है, जैसे कि सर ने बताया था काठमांडू, मॉस्को और तेहरान। केवीएस की स्थापना एक 4 मिशन को लेकर की गई थी, वो 4 मिशन मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगी। एक समान पाठ्यक्रम के तहत शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना उन बच्चों के लिए जिनके माता पिता रक्षा कर्मी हैं या केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं। विद्यालयीय शिक्षा को उत्कृष्टता के स्तर पर पहुंचाना ताकि हम शिक्षा के माध्यम से बच्चों में नए नए वैल्यूज और बच्चों को बहुत आगे के स्तर तक ले जा सकें। तीसरा जो उनका मिशन था वो था CBSE और NCERT के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार या इनोवेशन को बढ़ावा देना। इनोवेशन तो आप सब जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ऐसी तकनीकियों को लाया जाए जिससे शिक्षा का माध्यम जो है वो बोरिंग ना होकर बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग सा हो जाए। जो आखिरी उनका मिशन था वो था बच्चों में राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भावना का विकास करना। जैसा कि हम सब चाहते हैं अभी हमारे केवीएस में एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसका भी मुख्य लक्ष्य यही है कि बच्चों में भारतीयता और राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो। हमारे केवीएस का एक लोगो भी है जो आप सबकी यूनिफॉर्म में भी रहता है, उसमें लिखा रहता है तत्त्वम पुरुषम अपरार्थम, जो कि बाइबल से लिया गया है। इसका श्लोक है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यशः पीतं मृतं तत्त्वम पुरुषम अपरार्थम सत्य धर्माय दर्शयेत्। अर्थात हे ईश्वर, आप ये भौतिक आकर्षण और चकाचौंध से गिरा अंधेरा हटा दीजिए ताकि मैं प्रकाश का मुख देख सकूं। और हमारे केवीएस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो भी यही है कि अज्ञान रूपी अंधकार को हटाकर हम ज्ञान के मुख को देख सके और सब में ज्ञान को प्रसारित कर सके। केवीएस सबसे सस्ता प्लेटफॉर्म होगा एजुकेशन का। केवीएस बहुत सारी चीजें ऑफर करता है, बहुत सारे ऐसे उनके प्रावधान है जिससे गरीब बच्चों को भी बहुत ही सस्ती दर पर शिक्षा प्राप्त हो सकती है, जैसे कि है RDE राइट टू एजुकेशन, जिसमें हर क्लास में 10 बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे अपने स्कूल में हर क्लास में 10 बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई भी फीस नहीं पड़ती है। SC ST BPL को भी कोई भी ट्यूशन फीस नहीं पड़ती है। और युद्ध में वो युद्ध जो 1962 1971 1991 में जो युद्ध में मारे गए सैनिक हैं या
सैनिक विकलांग हुए हैं उनके बच्चों को भी कोई भी फीस नहीं पड़ती है। केवीएस ने बहुत सारे समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि केवीएस का मेन मोटो रहा है कि बच्चों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास किया जाए या बच्चों में पैट्रियोटिज्म का विकास किया जाए, तो उसी के तहत उनका एक कार्यक्रम था सीमा दर्शन, जो कि 2016 में बच्चों को केवीएस के बच्चों को सिलेक्ट करके अटारी और अखनूर बॉर्डर पर लेकर जाया गया था। इसमें बच्चों ने सैनिकों के दर्द को देखा, सैनिक कैसे रहते हैं वो सीखा, और बच्चों ने ये भी प्रण लिया कि वो आगे चलकर देश सेवा में अपना सहयोग करेंगे। एक और अन्य प्रोग्राम होता है शाला दर्पण, जिसमें बच्चों को ईआरपी प्लेटफॉर्म के तहत बच्चों में प्रौद्योगिकी के प्रति रुचि विकसित की जाती है। एक अन्य प्रोग्राम है स्वच्छता विद्यालय और हरित विद्यालय, ये शायद हम सब जानते होंगे, है ना, क्योंकि स्वच्छता विद्यालय का पुरस्कार तो हमारे विद्यालय को भी मिल चुका है। उसके बाद जैसा हम सब जानते हैं हमारा केवी संगठन हिंदी इंग्लिश, इसके अलावा और भी कई सारी जैसे संस्कृत, जर्मन, स्पेनिश, चीनी, ऐसी लैंग्वेजेस को भी बढ़ावा देता है। भाषा संगम कार्यक्रम के बारे में आप सभी जानते होंगे। केवीएस में अनेक पार्टी सहगामी क्रियाकलापों का भी आयोजन किया जाता है, जैसे वाद विवाद, गायन, ऐसी चीजों से बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप किया जाता है। मुझे आज मैं इस चीज का जिक्र कर रही हूँ तो मुझे एक क्लास वन के बच्चे का उदाहरण मैं देना चाहूंगी। वो बच्चा कुछ महीने पहले उसका बर्थडे था तो वो स्टेज पर आने में घबरा रहा था, बोला था मैम मैं नहीं जाऊंगा मुझे डर लगता है। और अभी कुछ दिन पहले वही बच्चा आकर स्टेज से एक पोएम रिसाइट करके गया है फुल कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये है हमारा अचीवमेंट, जो कि हम बच्चों में सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में सिर्फ पढ़ाई नहीं देते हैं, बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ अनेक कॉन्फिडेंस भी उनका बिल्डअप करते हैं और भी अनेक क्रियाकलापों और गतिविधियों के माध्यम से उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करते हैं। हम बच्चों को बहुत केवीएस संगठन के अंदर बहुत सारी वैल्यूज सिखाई जाती हैं, जैसे कि एक छोटा सा प्राइमरी सेक्शन में एक प्रोग्राम चलता है कम्युनिटी लंच, जिससे हम बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी फूड को शेयर करें, शेयरिंग इज केयरिंग। उसके अलावा ग्रैंड पेरेंट्स डे, कि हम कैसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स को उनकी वैल्यू करें, ताकि जो अभी वृद्धाश्रम की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है उसकी वो रुक सके। केवी संगठन बच्चों को अपना मानता है, इसीलिए जब बच्चा क्लास वन में आता है तो केवी संगठन स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम चलाता है, ताकि बच्चे को विद्यालय के परिवेश में वो बच्चा अलग सा न फील करे और बच्चा अनुकूलित हो जाए विद्यालय परिवेश में। केवी संगठन बच्चों के स्वास्थ्य पर भी बहुत ध्यान देता है, जैसे कि SBSB का प्रोग्राम चलता है। एक और केवी संगठन ने प्रोग्राम लॉन्च किया था एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम या किशोर शिक्षा कार्यक्रम, जिसमें किशोरों को स्वस्थ रहने और उनके जो शारीरिक बदलाव होते हैं उससे उनको समझ पाने के लिए बच्चों को जागरूक किया गया। और अभी मैं केवी के अचीवमेंट्स के बारे में बताना चाहूंगी। जैसा कि हम रिजल्ट के बारे में भी जानते हैं कि जो लास्ट ईयर था उसमें केवी पास परसेंटेज के मामले में नंबर वन पे था, और कई सारे ऐसे केवी के एलुमनाई हुए हैं जो कि केवी का नाम संपूर्ण विश्व में रोशन कर रहे हैं। जैसे कि अगर क्रिकेट के बारे में देखें तो हरभजन सिंह, मनीष पांडे, अभिनय के क्षेत्र में देखें तो साक्षी तंवर, नयनतारा, और हमारे मीडिया जगत में छाए हुए अर्णब गोस्वामी, यंगेस्ट सीईओ ऑफ द वर्ल्ड सुहास गोपीनाथन, ये सब केवी के ही छात्र रहे हैं। और केवी का जो वाक्य है ज्ञानार्थ आगमन और सेवार्थ प्रस्थान को ये साकार कर रहे हैं। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अगर हम सब लोग मिलकर कोशिश करें तो जो केवी गीत है भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा, इसको हम शब्दशः साकार कर सकते हैं। और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय के इतिहास को आने में देर नहीं लगेगी अगर हम सब लोग मिलकर कोशिश करें। धन्यवाद।